सब्सक्राइब कीजिए केडे घोष चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, केडीए कुछ चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको kds.go.com में एक जॉब प्रोफाइल बना के दिखाएंगे एंड कैसे आप उस जॉब प्रोफाइल के मदद से कोई भी जियो का वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारे प्रोसेस बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ जियो केडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट पे kds.go.com। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना जीमेल से यहाँ पे लॉगिन होना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना जीमेल से लॉगिन हो जाता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप अपना जीमेल से लॉगिन होंगे देन आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। सबसे पहले आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए मेल, उसके बाद आप अपना कंट्री, स्टेट एंड सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए एंड आपका एक रिज्यूम अपलोड कर दीजिए। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका रिज्यूम का साइज 2 MB के ज्यादा मत होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना होगा। यहाँ पे मैं जल्दी से मेरा प्रेजेंट एड्रेस डाल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल दिया। उसके बाद आएगा आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है देन आप सिंपली यहाँ पे टिक कर दीजिए, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। एंड आपका इमरजेंसी एड्रेस भी अगर आपका परमानेंट एड्रेस की तरह ही सेम है देन आप फिर से इसको टिक कर दीजिए, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस ही यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों, अगला स्टेप में आपको अपना प्रेफरेंस इंफॉर्मेशन देना है। सबसे पहले आएगा टोटल एक्सपीरियंस। अगर आपका एक फ्रेशर्स है एंड आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है देन आप सिंपली इसको जीरो कर लीजिए। उसके बाद मंथ्स भी जीरो कर लीजिए। देन आएगा करेंट कॉम्पेंसेशन पर एनम। तो अगर आपका एक्सपीरियंस जीरो है देन आप सिंपली इसको भी जीरो कर दीजिए। उसके बाद आपका एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं ग्रेजुएट हूँ तो आधार ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसको यस कर सकते हैं और नहीं है तो इसको नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। आप कौन सा सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि मार्केटिंग, आईटी सेक्टर है, कॉर्पोरेट सर्विस है, तो यहाँ पे मैं आईटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन है विलिंगनेस टू ट्रैवल इन परसेंटेज। इसको मैं 60% कर देता हूँ एंड यस करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, अगला स्टेज में आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स डालना होगा। सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो यहाँ पे मैं अपना स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 2015 फर्स्ट जनवरी एंड एंड डेट है 2018 फर्स्ट जनवरी। इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट नेम मतलब कॉलेज नेम और स्कूल नेम यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना कॉलेज नेम डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिग्री डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना डिग्री बीटेक सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका आदर्श डिग्री है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका कोर्स टाइप सिलेक्ट करना है, तो इसको मैं फुल टाइम कर लेता हूँ। उसके बाद आपका ब्रांच ऑफ स्टडीज, आप कौन सा ब्रांच और स्ट्रीम में से है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसके अगला ऑप्शन में आपको अपना स्कोर और मार्क्स इन परसेंटेज डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना मार्क्स डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका कंट्री डालना है, वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे इंडिया होगा। अगर आप बाहर से स्टडी किया है तो आपको उस कंट्री का नेम यहाँ पे डालना होगा। देन आपको सेव कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है। दोस्तों, अब मैं आपको कोई भी एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा जॉब है। सबसे पहले आपको अपना सेक्टर सिलेक्ट करना होगा, मतलब आप कौन सा सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में कौन कौन सा जॉब है उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। आप आपको क्या देखना है, आपको देखना है आपका लोकेलिटी और एरिया के अंदर कौन कौन सा वैकेंसी खाली है, तो आपको उसके लिए ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो उस वैकेंसी के रिलेटेड सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। एंड अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। आप सिंपली आपको इसको ओके कर देना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप जियो का कोई भी वैकेंसी के लिए careers.jio.com में अपना खुद का प्रोफाइल बना के इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको अप्लाई ऑनलाइन के दौरान कोई भी दिक्कत हो रही है देन आप कमेंट में जरूर लिखना, मैं एज सुन एज आपको रिप्लाई देने की ट्राई करूंगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।